हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी गॉसिप गर्ल हूर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स के बारे में। तो लास्ट वीक के एलिमिनेशन के बाद कौन होंगे टॉप 5 कंटेस्टेंट जानते हैं इस वीडियो में। पर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको देखने को मिलती रहे। तो इस साल का बिग बॉस ओटीटी का सीजन 3 अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुका है। हालांकि ये सीजन पिछले सीजन के कंपैरिजन के हिसाब से ज्यादा लाइमलाइट तो नहीं जुटा पाया, लेकिन इस सीजन पर कई बार बायस्ड और अनफेयर होने के एलिगेशंस लगते रहे हैं। और अपने लास्ट एविक्शन के बाद जहां शिवानी और विशाल को घर से बेघर कर दिया गया, ऑडियंस ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया है कि इस साल के टॉप 5 से लेकर विनर तक फिक्स्ड हैं। तो चलिए ऑडियंस और मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से कौन होंगे इस साल के टॉप 5 जानते हैं इस वीडियो में। नेजी इस साल के सबसे इनोसेंट और सबके दोस्त रहे नेजी तो टॉप 5 में जरूर नजर आएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि नेजी ने कोई बहुत अच्छा गेम तो नहीं खेला है, पर वो जैसे हैं उन्होंने अपनी रियल पर्सनैलिटी वैसे ही दिखाई है। गेम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नेजी में विनर क्वालिटी तो नहीं है, पर हाँ नेजी ने देश की ऑडियंस का दिल जरूर जीता है, तो ये तो टॉप 5 में जरूर होंगे। अरमान मलिक इस साल के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट रहे अरमान मलिक, चाहे वो अपनी दो बीवियों की वजह से हो या विशाल के साथ अपने थप्पड़ वाली कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर। अरमान पूरा सीजन लाइमलाइट में रहे हैं, चाहे वो निगेटिव ही क्यों ना दिखे हों, तो अरमान ने तो अपनी जगह टॉप 5 में बना ही ली है। रणवीर शोरे इस साल के होस्ट के फेवरेट रणवीर भी टॉप 5 में अपनी जगह जरूर बनाएंगे। ये पूरा सीजन सबसे कनेक्टिव रहे हैं, चाहे अपने दोस्तों के साथ दोस्ती निभानी हो या सना मकबूल के साथ दुश्मनी, ये हर जगह नजर आए हैं। लवकेश कटारिया एल्विश यादव के दोस्त के नाम पर एंट्री ली एल्विश के बेस्ट फ्रेंड लव कटारिया ने, और ये बिग बॉस में अपनी पहचान बनाने आए थे और इन्होंने पहचान बनाई भी और साथ ही कई अच्छे दोस्त भी कमाए। लव अपने और एल्विश यादव के फैन बेस पर टॉप 5 में तो जरूर आएंगे। सना मकबूल इस साल की डीवा सना तो पूरे सीजन सोशल मीडिया पर छाई रही है। किसी को इनकी क्यूटनेस पसंद है तो किसी को इनका क्वीन स्टाइल, तो कोई इनके बिंदास अंदाज का दीवाना है, तो ऑडियंस ने तो इन्हें टॉप 5 या टॉप 2 यहाँ तक कि विनर भी डिक्लेयर कर दिया है। तो ये है हमारे हिसाब से होने वाले इस सीजन के टॉप 5। इसके अलावा बात करते हैं साई केतन और कृतिका की, तो साई ने तो लगता है शो में सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस के लिए आए थे, वही कृतिका सिर्फ अरमान की वजह से लास्ट वीक तक आ गई है, वरना ये फर्स्ट या सेकेंड वीक में ही निकल गई होती। ऐसा लगता है इन्होंने अरमान की फ्लाइट में बैठकर शो में एंट्री ली और अरमान ने इन्हें सीधा लास्ट वीक में लैंड करा दिया है। तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए टॉप 5 में और आपका क्या ओपिनियन है इस पूरी अपडेट पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।